और मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मेरी तरफ से आप सबको नमस्कार आदाब। और मैं आप लोगों से और जो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट जीत के आए हैं, मैं आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं अपने पंचायत के लोगों को ये कहना चाहती हूँ, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है या कोई भी जात पात के लोग हैं, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, इस काबिल समझा, मैं उन लोगों से भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आप लोगों को इतना याद होगा कि मैं पहले भी सरपंच बनी थी अपने पंचायत से, तब भी मेरी कोई पार्टी नहीं थी, लेकिन वो बोली बीजेपी की थी, मैं वो बोली बीजेपी की मैं थी उस टाइम। तो जब मैं इलेक्शन जीत गई तो उस टाइम भी मुझे बीजेपी का कोई इतना साथ नहीं था, क्योंकि उनको अपना ही कैंडिडेट था, उस टाइम भी मुझे उन्होंने कोई साथ नहीं दिया। उस टाइम भी बीजेपी मेरे पीछे लगी थी कि कमलेशा जी जीतनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि मैं अपने पंचायत के लिए अच्छा काम करना चाहती थी, कोई करप्शन नहीं करना चाहती थी अपनी पंचायत में, ना करप्शन होने देनी चाहती थी, इसलिए मेरे खिलाफ पूरी बीजेपी पार्टी लगी थी। जीतने के बाद ऐसा हुआ कि मेरे पंचायत में जो जयी था विजय प्रहलाद, उसने मेरे पंचायत में मेरे जो जॉब कार्ड होल्डर थे उनको पैसा कम दिया गया, जबकि 100 दिन का रोजगार था उसमें 2,000-2,500 रुपया डाला गया, जबकि मजदूर लोगों ने, कुछ बहन भाइयों ने काम किया था, उनको 2,000-2,500 रुपया जॉब कार्ड में डाला गया। तो इसके बावजूद जब मैंने शोर उठाया, मैंने कंप्लेन की कि जो जई है उसने मेरे पंचायत में पैसा कम डाला गया, तो उसके बाद जो डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट वन साइड हो गया, जो विजय प्रहार है बीजेपी का, जो जई था मेरे पंचायत में, उन्होंने क्या किया, जब जई फंस गया, वीडियो फंस गया, तो बीजेपी के जो कुछ लीडर थे, कुछ लोग थे, उन्होंने उनको बहुत बड़ी सपोर्ट की। सपोर्ट के बाद मुझे निकालने की धमकियां दी गई, मुझे टॉर्चर करने लगे, मुझे हरासमेंट करने लगे, मेरे जात पात के नाम पे गालियां दी गई, जबकि चेयरमैन जो है वो बीजेपी का है। क्या सुनील शर्मा को इतना समझ नहीं आ रहा था कि एक लेडीज होने के कारण मैं लेडीज को सता रहा हूँ? क्या उसका फर्ज नहीं बनता था कि मेरे पंचायत में आके मेरा मसला हल करना था? हल नहीं किया, लेकिन ज्यादा ही मुझे टॉर्चर करने लगा, मुझे हरासमेंट करने लगा, जबकि पूरी बीजेपी पार्टी लगी थी मेरे पीछे और मुझे हरासमेंट करके मुझे मजबूर कर दिया, मुझे धमकियां दी गई, मारने की धमकियां दी गई, सरपंच से हटाने की धमकियां दी गई, लेकिन मैंने भी नहीं छोड़ा, मैंने भी 6 महीने तक जंग लगी। 6 महीने के बाद जब मुझे धमकियां दी गई, एक चेयरमैन होकर जो बीजेपी की पावर दिखा के मुझे रिमूव करता है यहाँ से, सरपंच से मुझे रिमूव कर देता है, लेकिन मैंने 4 दिन पहले अपना रिजाइन कर दिया था, क्योंकि मुझे बताया गया था, मुझे टॉर्चर किया गया था, मुझे धमकियां दी गई थी, मारने की धमकियां दी गई थी, तब जाके मैंने रिजाइन कर दिया। और उन लोगों के लिए, अपने पंचायत के लोगों के लिए जिनको पैसा कम पड़ा था, जब मैं करप्शन के खिलाफ थी, जब मैं अपने लोगों के लिए लड़ रही थी, उस वजह से डिपार्टमेंट वन साइड हो गया था, पूरा डिपार्टमेंट उनको साथ दे रहा था, पूरी बीजेपी पार्टी जो कुछ लोग थे, सारे लोग नहीं थे, मैं सब लोगों के नाम लेना नहीं चाहती हूँ, कुछ लोग थे बीजेपी के विधान थे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो प्रदीप परियार था, उसने भी बहुत पार्ट प्ले किया मेरे पंचायत में मुझे निकालने के लिए, और धमकियां दी गई थी, और इतना मुझे टारगेट दिया कि मैंने रिजाइन कर दिया, और बाद में मुझे फिर, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी,
नहीं हारी मैंने अपनी हिम्मत। मैं तुम लोगों को सबको कहना चाहती हूँ ये, चाहे मेरे बहन भाई पढ़े लिखे नौजवान है और मुझे इतना टॉर्चर किया कि मैं वापस नहीं हटी, मैं अपनी बातों पे अड़े रही और मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। अब तक मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी है यहाँ पे नहीं, जम्मू कश्मीर की बात छोड़ो, पूरे हिंदुस्तान को पता है मेरा। मुझे उस टाइम में कहीं पार्टियों ने मुझे साथ दिया, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीडीपी है, चाहे वो एनसी है, चाहे कोई भी पार्टी है, उन्होंने मुझे उस टाइम में साथ दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी पावर दिखा के मुझे धमकियां देते रहे और मुझे रिमूव करने की धमकियां दी और मुझे तंग करके मैंने खुद के रिजाइन कर दी। उसके बाद में ये कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो औरतों की इज्जत नहीं करते हैं, वो महिलाओं की इज्जत नहीं करते। जब इन्होंने मुझे अपनी पार्टी में बुलाया लेकिन मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, अब तक हिम्मत नहीं हारी और सजाद साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि आपको हम खड़ा करेंगे, सब के लिए रहेंगे। हिम्मत आई, मुझमें फिर हिम्मत आई और मैं आज ये इलेक्शन जीत कर आई यहाँ ऐसी। और मैं सभी बहनों भाइयों से ये कहना चाहती हूँ कि हिम्मत नहीं हारती है, चाहे कोई किसी भी तरह से कोई कार्य करे, कोई भी तंगदस्ती करे, लेकिन हिम्मत नहीं हारती है। मैंने कोई शराब नहीं पी उस टाइम, मैंने कोई खुदकशी नहीं की, मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैंने हिम्मत रखी अब तक। इसलिए मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत है तो हौसला है, हिम्मत टूट गई तो हौसला खत्म हो गया। बाकी मैं सभी लोगों को ये धन्यवाद देना चाहती हूँ, सभी जो एमसी के लीडरान हैं, ओहदेदारान हैं, मैं इन सबको अपनी तरफ से ये शुभकामनाएं देती हूँ कि आप सब लोगों ने मेरा साथ दिया और मेरे अपने पंचायत के लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे साथ दिया।